नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको मेडिटेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मेरे ही चैनल में बहुत सारे मेडिटेशंस बने हुए हैं, जिसे सुनकर आप फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसको सुनकर आप लाभ ले रहे हैं, जिसे सुनकर आप हील हो पा रहे हैं, जिसे सुनकर, जिसके कमेंट को पढ़कर मेरी अंतरात्मा तृप्ति पा रही है। क्योंकि जो सारे मेडिटेशन जो बनाए हुए हैं, जिसे आप लोग सुन रहे हैं, जिसे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके बाद जो कमेंट लिख रहे हैं, वो सुनकर जो मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो अभूतपूर्व है। तो छोड़िए, मैं भाव से भरना नहीं चाहता, असल में मैं भर चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम मेडिटेशन बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर बार हम खुद से मेडिटेशन करें तो वही भाव को नहीं ला सकते, लेकिन जब हम मेडिटेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने लिए, तो वो मेडिटेशन किसी अफर्मेशन की तरह होता है। तो हर बार हम सेम फ्रिक्वेंसी में, सेम भाव में जा पाते हैं। जैसे आप मेरी आवाज़ सुनकर मेरे मेडिटेशन में आप सेम भाव में बार बार जा पाते हैं, तो आप अपने लिए भी जब कभी मेडिटेशन बनाएंगे, या क्योंकि बिकम आप में से हीलिंग सीख करके आप आके हीलर बन रहे हो, तो आपको भी मेडिटेशन रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को देना है, उन्हें भी ठीक करना है। तो मेडिटेशन कैसा होना चाहिए, कैसे बनता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बारीकियों को समझना है, क्या चीज़ों को नहीं बोलना है, उन पर ध्यान लगाना। बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद, मेरे कुछ मेडिटेशंस को आप ना सुन के भी देख लेना, जिससे आपको समझ में आएगा उसकी बारीकी कि कैसे वॉइस टोन होती है, कहाँ से भर कर हम वीडियो बनाते हैं, कहाँ से बनकर हम मेडिटेशन बनाते हैं। सबसे पहले, जो भी आप मेडिटेशन बना रहे होगे, उस टाइम आप पूरी तरह से उस कैरेक्टर में होगे, उस भाव में होगे। अगर किसी के लिए, किसी के इमोशनल या ब्रेकअप या फिर किसी के रिश्ते के लिए आप मेडिटेशन बना रहे हैं, तो उसके ब्रेकअप के पेन को आपको महसूस करना होगा, उसके रिश्ते में खराबी को पहले महसूस करना होगा, उस पेन को, उस दर्द को महसूस करना होगा, और फिर उस दर्द के रिलीफ को महसूस करना होगा। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे जो स्क्रैच हो गया, चोट लग गया, उस चोट के दर्द को महसूस करो, फिर उसके ठीक होने को महसूस करो, और ठीक होने को जब आप महसूस कर रहे होगे, उसी समय आप उस रिकॉर्डिंग को करो, उसको, आवाज़ को रिकॉर्ड करो, पहली बात। दूसरी बात, क्या चीज़ नहीं करना है। कभी भी जो भी प्रॉब्लम है, उसकी चर्चा उस मेडिटेशन में होगी ही नहीं। घुटने का दर्द के लिए अगर मेडिटेशन बना रहे हो, तो घुटने का दर्द शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं है। किसी को जीवन में कर्ज मुक्ति के लिए मेडिटेशन बना रहे हो, कि कोई इंसान अपने जीवन में बहुत कर्जे में फंसा हुआ है, बहुत बिजनेस में हानि हो गई है, तो उसको बाहर निकालने के लिए अगर मेडिटेशन बना रहे हो, तो आप ये कर्ज शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करोगे। मतलब कि आप कर्ज से बाहर निकल रहे हो, आपका सारा कर्जा ख़त्म हो रहा है, आपके सारे ले, जितनी भी देने की राशि है, आपको पूरी हो रही, नहीं, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आपकी सारी लेनी देनी बराबर हो रहे हैं, आपके सारे लेन देन क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से निपट रहे हैं। मतलब कि कर्ज के बदले प्रॉस्पेरिटी शब्द का इस्तेमाल करो, कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, समृद्धि आ रही है। सोचो, अगर समृद्धि आएगी तो कर्ज तो अपने आप निकल जाएगा। समझो, अगर आप किसी को घुटने के चोट के लिए अगर आप मेडिटेशन बना के दियो हीलिंग के लिए, तो आप ये बोलेंगे ना कि आपका पैर बिल्कुल शक्ति से भर रहा है, आप चलने में, दौड़ने में समर्थ हो रहे हो, आपका पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, आपका मूलाधार चक्र मजबूत हो रहा है, आप एकदम सशक्त हो रहे हो। समझ में आया? मतलब कि जब मेडिटेशन रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, जब रिकॉर्ड करते हैं, तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ आँखें बंद करके, तो जैसा कि मैंने बोलते बोलते मेरा बॉडी लैंग्वेज हो गया था, तो वैसे ही हो जाता है। इसलिए तो इतना अच्छे से फील हो पाता है, आप लोग को फील कर पाते हो, आप मेरी उस भावना को महसूस कर पाते हो, अपने अपनी भावना को मेरी आवाज़ में महसूस कर पाते हो, कि मैं दौड़ पा रहा हूँ, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, मेरी हड्डी मजबूत हो रही है। तो ये पूरा बॉडी लैंग्वेज उसके साथ शामिल होता है जब ऑडियो रिकॉर्ड होता है। ये किसी बहुत अच्छे एक्टर की फॉर्म करना होता है मेडिटेशन को। ये नहीं कि माइक में लगा लिए, आंख बंद किए और बोलते गए, नहीं। वो तब काम आता है जब आप
लाइव किसी को करा रहे हो, क्योंकि एक ही बार करा रहे हो, दोबारा काम नहीं आएगा, एक बार में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। लेकिन जब रिकॉर्ड करके किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो वो इंसान कई बार सुन रहा होता है, कई बार, तो जो गलतियां हैं वो पकड़ में आने लगती है, जो इमोशंस की कमी है वो पकड़ में आने लगती है, जो भाव नहीं रहे हैं उसमें वो पकड़ में आने लगती है। तो आपको पूरे भाव से भर के वो इंसान बन के उसकी तकलीफ़ों को समझ के, उसकी हीलिंग को समझ के आपको इसको परफॉर्म करना होगा। मतलब कि मेडिटेशन रिकॉर्ड नहीं होता, मेडिटेशन को परफॉर्म करना होता है उनके लिए, और फिर उन्हें आप देते हो। फिर जब वो हीलिंग होती है, जो चीज़ साल भर में होने वाली है वो 3 से 6 महीने में हो जाती है। इसलिए तो हमारे यहाँ जब लोग हीलिंग कराते हैं तो समय से पहले रिज़ल्ट मिल जाता है उनको। उसके बाद वो ये गलती करते हैं कि मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम फिर से वापस आने जैसे लगती है उनको, फिर से वो अच्छा महसूस नहीं करते, फिर शुरू करते हैं तो फिर कुछ समय ज़्यादा लगता है। इसलिए जब भी कोई लोग हीलिंग करा रहे हैं, चाहे किसी से भी करा रहे हों या खुद कर रहे हों, तो जो समय सीमा बांधी गई है उसके लिए, उसमें पूरा हीलिंग की अपनी हीलिंग क्या ये मेडिटेशन करते रहना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में सिर्फ सिम्टम्स जाते हैं, अगर आपके पेट में कोई बीमारी है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो जाते हैं। बीमारी धीरे 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 अपने समय के साथ ख़त्म होती है। तो हमेशा मेडिटेशन को ध्यान से रिकॉर्ड करना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस बीमारी, पेट की बीमारी ठीक हो रही है, आपका पेट का दर्द ठीक हो रहा है, आपका पेट का पूरी समस्या ठीक हो रही है, ये शब्द का इस्तेमाल करोगे तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हम ऐसा मेडिटेशन करते हैं तो क्यों नहीं होता, नहीं होगा। बल्कि ये होना चाहिए कि आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो रहा है, आपका पेट बिल्कुल स्लिम और परफेक्ट हो रहा है, आपका पूरा जठराग्नि, आपके पूरे पाचन तंत्र सशक्त हो रहे हैं, आप जो भी खाते हैं उसको अच्छे से पचा पाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग करना है। उसके लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जिस बीमारी के लिए भी आप मेडिटेशन बना रहे हैं उसका थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ लें, उसके बारे में थोड़ा जान लें, समझ लें, डॉक्टर से पूछ लें, थोड़ा सीख लें, समझ लें कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है, फिर मेडिटेशन रिकॉर्ड करें ताकि आपको जानकारी परफेक्ट हो। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।